साहब का धन्यवाद है, मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। डॉक्टर साहब सुविधा हमारे को दिए, पहले इतनी सुविधा नहीं थी बाड़मेर में, मेवा राम जी ने इतनी सुविधा दी है, बहुत अच्छी सुविधा भी होगी, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। आप ये मानिए कि जिस मरीज का मैंने आज ऑपरेशन किया है, अगर उस मरीज को ये ऑपरेशन निःशुल्क नहीं होता और पैसे दे के करवाना पड़ता, शायद वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करवा पाते और वो अपने आप पाँव पे चल पाएगी मेरे हाथों से सर्जरी होके और बिना पैसे के, और वो जो मेरे को आशीर्वाद देगी उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकता। इंद्र जी के बारे में मैंने सुना तो पहले मैंने उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे को समझाया, बेटा कोई टेंशन मत कर, कोई पैसा तेरा खर्च नहीं होगा। डॉक्टर भगवान होते हैं और सरकार माई बाप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे वाक्य हम लोग आम तौर पर कई लोगों से सुनते रहते हैं और ये वाक्य सच साबित हुआ है। कुछ ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक इंसान नज़र आ रहा है, इनका नाम मोबीना बानो है, ये थर्ड जेंडर हैं। वैसे तो ये लोग अपनी ज़िंदगी से पूरे जीवन भर तक जंग लड़ते रहते हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई ऐसी विपदा आ जाए तो इन लोगों के लिए अपना जीवन जीना और भी मुश्किल हो जाता है। मोबीना बानो के आज से करीब 5-6 साल पहले एक प्रॉब्लम हो गई, इनका हिप जॉइंट टूट गया, यानी कुल्हे में फ्रैक्चर हो गया। फिर इन्होंने इधर उधर कोशिश की और पैसों का जुगाड़ करके एक निजी अस्पताल में इन्होंने अपना उपचार करवाया, ऑपरेशन करवाया। एक साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर वो ऑपरेशन फेल हो गया। अब मोबीना बानो और इसके परिवारजनों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि ये पैसे खर्च करके इनका ऑपरेशन करवाएं। आज से करीब 15 दिन पहले मोबीना का भाई बाड़मेर जिला अस्पताल में कार्यरत अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी से मिले, पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका ऑपरेशन करेंगे और सरकार की जो एक स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, जिसके तहत आपका ऑपरेशन पूरे का पूरा निःशुल्क हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया, अब मोबीना खुश हैं, उसके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी झलक रही है और मोबीना बानो स्थानीय नेताओं की, सरकार की, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी की और उनके पूरे स्टाफ की प्रशंसा करती थक नहीं रही है। मोबीना का कहना है कि ये लोग मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। जानिए क्या कहा मोबीना ने, उसके भाई ने और डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी ने। मेरा नाम मोबीना बानू है, मैं बाड़मेर में रहती हूँ और मेरे पीछे के दोनों बॉल ख़राब हो गए थे, तो बॉल ख़राब हो गए तो मैं चल नहीं सकती थी। मैंने आबू रोड ऑपरेशन कराया था बंसली हॉस्पिटल में, वहाँ ऑपरेशन कराने के बाद में मेरा ऑपरेशन फेल हो गया। उस डॉक्टर को मैंने वापस फ़ोन लगा के बोला उस डॉक्टर के, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद में मैंने यहाँ 2 साल तक तो मैं यहाँ बैठे रही, मेरे को पता नहीं था। जब मेरे बड़े वाला भैया आके सुंदर सिंह से बात की, चौधरी साहब से, डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बोला कि एक दिन आपकी सिस्टर को लेके यहाँ पे आओ, चेक कराओ। तो उन्होंने चेक कराई, डॉक्टर साहब ने मेरे को अफसोस दिलाया कि कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार मैं मेरे पैरों पर तुम्हारे को बिल्कुल खड़ा कर दूँगा। और आज डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन किया, उससे मेरे को अभी फ़ायदा लग रहा है, अभी उनके बहुत बढ़िया एहसान बन रहे हैं। कितना दर्द हो रहा है और ये आपके जो प्रॉब्लम हुई कितने साल पहले? मेरे को लगभग ऑपरेशन करने के बाद में मेरे को 4 साल हो गए, 4 साल तक मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बॉडी पे चलती थी। और आज डॉक्टर साहब ने गारंटी ली कि बिल्कुल मैं खड़ा कर दूंगा तेरे को पैरों पे। कितना बदलाव डॉक्टर साहब की, अभी बहुत बदलाव, अच्छी बदलाव आ गई चुका मेरी जिंदगी में, अभी तो आज ही किया, इतना फ़र्क है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जब हो जाएगा। आपका ऑपरेशन कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ? ये बाड़मेर में हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वैसे लगे नहीं, कुछ नहीं लगे, डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है कि कार्ड के ऊपर मैं आपका फ्री इलाज करूँगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इतनी जो डॉक्टर साहब ने जिम्मेवारी ली है, जिम्मेवारी के उनसे काम हुआ। आपको क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का धन्यवाद है, मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। डॉक्टर साहब पूरी टीम जितनी इनके फैमिली टीम, वार्ड मेंबर जितने भी हैं, उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। राम जी का उनका बहुत बड़ा एहसान है, इतनी सुविधा हमारे को दिए, पहले इतनी सुविधा नहीं थी बाड़मेर में, मेवा राम जी ने इतनी सुविधा दी है, बहुत अच्छी सुविधा भी होगी, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। मेरे साथ साथ में कितने पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ी एहसान बन सुंदर चौधरी मेवा राम साहब का। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शौकत खान है, मैं बाड़मेर का हूँ और आज मेरी सिस्टर का जो ऑपरेशन हुआ थर्ड जीनर थे, जो आज से कुछ साल पहले आबू रोड के अंदर मैंने करवाया था, तो करीबन वहाँ मेरा पैसा भी खर्च हुआ था और वहाँ पे ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर को लगभग 4 साल से लेके घूम रहा हूँ, अहमदाबाद, डीसा, पालनपुर, जोधपुर भी गया,
लेकिन उन्होंने खर्चा ज़्यादा बताने के कारण मैं नहीं करा पा रहा हूँ। और सुरेंद्र जी के बारे में मैंने सुना, तो पहले मैंने उनसे दरख्वास्त की, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे को समझाया, बेटा कोई टेंशन मत कर, कोई पैसा तेरा खर्च नहीं होगा, और भगवान ने चाहा और मैं अपनी मेहनत पूरी करूँगा और ऑपरेशन यहाँ पे बाड़मेर करा दूँगा। उसके बाद मैंने एडमिट कराने के बाद, और जो सुरेंद्र जी और इनकी टीम जो मेरा जो सहयोग किया और जो मैंने मेरे को हिम्मत उन्होंने दी, उससे लगभग मैं यूँ सोच रहा हूँ कि अब मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हो गया। और आज ऑपरेशन होने के बाद बहुत ही इतने मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, सुरेंद्र जी का, मेवाराम जी का, और जो मेवाराम जी ने इन्होंने इतनी हमें हिम्मत दी, और ये जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना इन्होंने जो बताई 2.5-3 लाख रुपये, मेरे पास अगर एक पैसा खर्च नहीं कर 50,000 करने की मेरी हिम्मत थी नहीं तो मैं कर पा रहा। अगर यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा तो आप करवा देंगे? नहीं करवा, मैं पिछले 4 साल से सर मैं घूम रहा हूँ और पैसों के कारण मैं कहीं नहीं करा पा रहा। उनका नाम सबीना बानू है। पिछले 15 दिन पहले उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने उसको चेक किया, चेक करने के बाद मेरे को पता लगा कि आज से 5 साल पहले उन्होंने राइट साइड का जो हिप जॉइंट है, जिसको कूल्हे का जॉइंट बोलते हैं, उसका ऑपरेशन माउंट आबू में करवाया था। पूरा जॉइंट उसका उस टाइम पे चेंज किया गया था। फिर 1-1.5 साल तक ठीक थी, उसके बाद में वो गिर गए थे। गिरने के बाद में उसके वापस फ्रैक्चर हो गया, जो जॉइंट उसका चेंज किया हुआ था उसमें फ्रैक्चर हो गया था, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, और उस पाँव पर वजन देके नहीं चल पा रहे थे लगभग पिछले 2.5-3 साल से। और जब 15 दिन पहले मेरे पास आए तो मैंने उसका प्लानिंग किया। ये काफ़ी जटिल सर्जरी है और इसको करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम होता है, इसके लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है जो कि छोटी जगह पे कई बार अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने अच्छे से प्लानिंग किया और उसको प्लानिंग में इंस्ट्रूमेंट को मंगाने में हमारे को 10-15 दिन लगे, और वो आज सर्जरी हमने की जिसमें हमने उस पहले वाले जॉइंट को पूरा निकाला और नया पूरा जॉइंट लगाया, उसमें हमारे को 2.5-3 घंटे लगे। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट अपन मंगाते हैं, जो मंगाए गए हैं, जो काम में लिए, अगर अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीज़ें करते हैं तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, और इसमें भी अभी की जो बजट घोषणा है उसमें कि जो भी होगा सब फ्री होगा, तो आज जितना भी महंगा सामान हमने मंगाया गया उससे मरीज को एक पैसा भी नहीं लगा, सारा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी योजना में फ्री हुआ है। अभी मरीज ठीक है, अच्छा है, हम आशा करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से चलने लगेंगे। अच्छा सर, बाड़मेर के जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छे अच्छे जटिल ऑपरेशन है और बहुत सफल हो रहे हैं, तो कितने इक्विपमेंट की जरूरत यहाँ पर रहती है और यहाँ के जो नेता है वो किस प्रकार से जिला अस्पताल प्रशासन की सहयोग करते हैं? हमने काफ़ी 1.5 साल पहले से हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट यहाँ स्टार्ट किए थे। हिप रिप्लेसमेंट तो मैं पिछले 2012 से कर रहा हूँ यहाँ पर, पर नी रिप्लेसमेंट 1-1.5 साल पहले से स्टार्ट किए हैं। ये भी काफ़ी बड़ी सर्जरी है, इंस्ट्रूमेंट काफ़ी महंगे आते हैं। हमने रिक्वेस्ट, कुछ चीज़ें ऑपरेशन थिएटर में ज़रूरत हैं, हमने रिक्वेस्ट किए लोकल एमएलए साहब को, और एमएलए साहब ने वहाँ जयपुर बात की, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे को मेवाराम जी ने उपलब्ध कराए, और हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने अब एक नई सौगात यहाँ पे दी है कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनेगा यहाँ पे। वो उसका काम अभी चालू हो गया है, जब वो बन जाएगा तो ये सर्जरियाँ हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत काफ़ी नंबर में कर पाएंगे। और उन सब के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से हमने पिछले 1.5 साल में लगभग 30-35 नी रिप्लेसमेंट, घुटने चेंज करने वाला ऑपरेशन हमने किया, वो भी सारे निःशुल्क चिरंजीवी मुख्य उसमें निःशुल्क योजना में। अच्छा सर, अभी हम जब पेशेंट से मिले तो बड़ी दुआएं दे रहे थे आपको, तो एक मरीज जो गरीब मरीज होता है उनके लिए 2-2.5 लाख का ऑपरेशन निःशुल्क हो जाना कितनी बड़ी अपने आप में एक बड़ी बात। आप ये मानिए कि जिस मरीज का मैंने आज ऑपरेशन किया है, अगर उस मरीज को ये ऑपरेशन निःशुल्क नहीं होता और पैसे देके करवाना पड़ता, शायद वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करवा पाते, और वो अपने आप पाँव पे चल पाएगी मेरे हाथों से सर्जरी होके और बिना पैसे के, और वो जो मेरे को आशीर्वाद देगी उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकता।